दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी पैसे से जुड़ी सारी समस्या दूर हो सकती है और आपको वह जीवन दे सकती है जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, री हिंदी मोटिवेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप खुद इस वीडियो पर नहीं आए, बल्कि आपकी डेस्टिनी, आपका लक आपको इस वीडियो पर लाया है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लेडी के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिन्होंने इसी प्रार्थना से और अद्भुत विश्वास की तकनीक से अपने जीवन में बहुत सारा धन और दौलत पाई है, और वही तकनीक मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, ये बात सन 1972 की है। वेनेजुएला की एक लेडी जिनका नाम कॉनी मेंडेज था। कॉनी मेंडेज ने पैसा, धन, दौलत और इंसान के व्यवहार पर काफी रिसर्च किया था। उनका मानना था कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को संपन्न जीवन जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को उसकी पसंद का जीवन मिलना ही चाहिए। वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था पावर ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। इस कॉन्फ्रेंस का यही मोटिव था कि कैसे सभी व्यक्ति संपन्न जीवन को जी सकते, लेकिन कुछ लोग इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते थे। वो मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। कॉनी मेंडेज जानती थी कि इस कॉन्फ्रेंस में काफी लोग मेरी बात से खुश नहीं हैं, लेकिन कॉनी मेंडेज ने अपने धैर्य को बनाए रखा, क्योंकि उन्हें अपने केवल सच पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो आज साबित करके रहेंगी कि मेरी सारी थ्योरी बिल्कुल सच है और वास्तविक है। जब कॉन्फ्रेंस में कॉनी मेंडेज की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप सभी मेरी बताई सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप कुछ ही समय में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके आज तक आपने बस सपने देखे हैं। कॉनी मेंडेज बड़े विश्वास के साथ उठी और भीड़ की तरफ गई और बोली, मैं आपकी आंखों के सामने अपनी बातों को साबित करूंगी। ये बातें सुनकर हर किसी की सांसें अटक गईं। कॉनी मेंडेज ने भीड़ की तरफ देखा और बोली, आप में से मेरे पास कोई ऐसा आए जिसे अब कोई भी उम्मीद ना हो कि वह कभी एक अच्छा जीवन जी पाएगा। तभी एक लेडी उस भीड़ से बाहर आई। उस लेडी के चेहरे पर साफ साफ उसकी परेशानी दिखाई दे रही थी। कॉनी मेंडेज ने महिला से पूछा, क्या आप वास्तव में धन और दौलत पाना चाहती है? महिला बोली, हां, मैं इस समय पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। मैं रात दिन काम करती हूं, लेकिन मुझे मेरे जरूरत के लायक भी पैसे नहीं मिल पाते। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूं जिससे मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। कॉनी मेंडेज ने महिला से पूछा, क्या आप अपने ईश्वर पर विश्वास करती है? महिला बोली, हां करती हूं। कॉनी मेंडेज ने अगला क्वेश्चन महिला से पूछा, क्या आप मानती हो कि आप एक अमीर और दौलतमंद बन सकती हो? और क्या तुम मानती हो कि ईश्वर तुम्हें कोई ऐसी शक्ति दी है जिससे तुम अमीर बन सकती हो? वो महिला कॉनी मेंडेज की एक वफादार फॉलोअर्स थी, लेकिन उसे उत्तर देने में झिझक महसूस हो रही थी। वास्तव में उसे कॉनी मेंडेज की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वो महिला बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या उत्तर दूं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। कॉनी मेंडेज बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करने का तुम्हें रास्ता बताऊंगी, और बस मैं इतना चाहती हूं कि जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, आप उसे प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उस महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं आपके निर्देशों का पालन करने का वादा करती हूं। कॉनी मेंडेज ने जो भी कहा, उस महिला ने उसे प्रतिबद्धता के साथ करने की प्रतिज्ञा ली। कॉनी मेंडेज ने महिला को समझाया, यह प्रार्थना करना पहले तो आपको यह अजीब लग सकता है, क्योंकि आपने इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको इसकी वास्तविकता महसूस होगी। कॉनी मेंडेज बोली, अब ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें तीन शक्तिशाली सिद्धांतों को बताने जा रही हूं जिनमें से प्रत्येक आपके समृद्धि के मार्ग खोलने की शक्ति रखता है। पहले इस विचार को स्वीकार करें कि सब कुछ ईश्वरीय सोच से आता है। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को खुद के लगाए प्रतिबंधों से मुक्त करें।
आप ये पहचाने कि समृद्धि और सफलता के रास्ते की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह भगवान के हैं। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि हर जरूरत को पूरा करने के लिए पहले से ही संसाधन मौजूद हैं। आपूर्ति और मांग दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दूसरे, अपने आप को भगवान के इरादों की महानता के लिए खोले, समझे कि वह उससे कम कुछ नहीं देता जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है, और जब भी आप किसी चीज के लिए तरसते हैं तो वह उससे कम नहीं देता है। यह जान ले कि यह बिल्कुल सही समय पर उत्पन्न होता है। ईश्वर आश्चर्य आपके जीवन में प्रकट होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अक्सर लोग पूर्णता की अपनी यात्रा में लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ संकल्प की कमी होती है। इसीलिए चिंतित विचारों को छोड़ दें, और जब आप इस मानसिकता को समझ के साथ छोड़ देते हैं तो चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति समर्पण कर दें। हमें जो चाहिए वह आराम से मांगे, क्योंकि ये हमारे लिए पहले से ही उपलब्ध है। हमारे पास दावा करने के लिए शक्तिशाली तरीका है, खासकर जब पैसे की बात आती है। तो जब हमारे विचार शांतिपूर्ण होते हैं और व्यवस्थित होते हैं तो हमारे भौतिक वास्तविकता उसी सद्भाव को दर्शाती है। मुझे आपके साथ एक और महत्वपूर्ण नियम शेयर करना है। मैं अक्सर लोगों को अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले साल के भविष्य के खर्चों के बारे में चिंता करते हुए सुनती हूं। वह सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। याद रखें कि भगवान एक शाश्वत वर्तमान में रहते हैं जहां अतीत और भविष्य की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास से कहें कि हमेशा हमारी बात सुनने और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए भगवान आपका धन्यवाद। आज आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपकी पहुंच में है। कल अलग है, लेकिन आज सब कुछ पहले से ही उपलब्ध है। आप हर दिन विश्वास के साथ ये कहते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करें। आज आपने मेरी हर चीज का ख्याल रखा है। आपको कभी भी साधन के बिना एक दिन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे अभी आजमाएं और इन शिक्षाओं को अपनाएं, उन्हें व्यवहार में लाएं। अब उस समृद्धि का दावा करें जो वास्तविक रूप से आपकी है, क्योंकि आपका जीवन पहले से ही सुंदर है, और कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए। यहां तक कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी उम्मीद पूरी होगी तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि जादू तभी होता है जब आप सच्चाई का अनुभव करते हैं। उस महिला ने कॉनी मेंडिस की सारी बातों को एक पेपर पर नोट किया और कॉनी मेंडिस ने कहा, अब तुम मुझसे ठीक एक महीने बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मिलोगी और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओगी। और एक महीने बाद वह सब कुछ साबित करने का वक्त भी आ गया था जो कॉनी मेंडिस ने सबसे प्रॉमिस किया था। कॉन्फ्रेंस में वह लेडी सबसे आगे खड़ी थी। कॉनी मेंडिस ने उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और महिला भी अपने आप को रोक नहीं सकी। वह स्टेज पर गई और उसने कॉनी मेंडिस को गले से लगा लिया। वो बहुत खुश थी। उसने माइक हाथ में लिया और पूरे जोश के साथ बोलने लगी कि यह वास्तव में काम करता है, यह बिल्कुल काम करता है, आखिरकार मुझे यह सब कुछ समझ में आ गया। कॉनी मेंडिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करती हूं। कॉनी मेंडिस ने उस महिला को कहा कि अब तुम सबको बताओ कि तुमने इस प्रार्थना को कैसे किया। महिला ने उत्सुकता के साथ सब कुछ बताना शुरू किया। महिला बोली, मैंने इस प्रार्थना को डेली ईमानदारी से अभ्यास करना शुरू किया। सुबह और रात के अलावा जब भी मुझे समय मिलता मैं इस प्रार्थना को जरूर दोहराया करती, और कुछ ही दिनों में मेरे भीतर कृतज्ञता की गहरी भावना उभरने लगी। मेरे भीतर कुछ ऐसी भावनाएं जागने लगी थीं कि जैसे मैं वास्तव में अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है। संपन्नता समृद्धि ने मेरे मन को भर दिया था, और एक दिन जब मैं अपने बेटे के साथ मार्केट में थी मेरी नजर एक लॉटरी की दुकान पर पड़ी। पता नहीं कैसे मेरे मन ने मुझसे कहा कि एक टिकट ले लूं, और मैंने एक $10,00,000 की प्राइस का एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया, और कुछ दिन बाद टिकट का रिजल्ट आने वाला था। हालांकि मैं उस टिकट के रिजल्ट के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे को याद था, और रिजल्ट आने पर मेरे बेटे ने ड्रॉ के दौरान टिकट की जांच की थी। मेरा बेटा मेरे पास बहुत खुश होकर आया और उसने कहा कि मॉम, आपने $10,00,000 जीत लिए हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने $10,00,000 का एक भव्य पुरस्कार जीता था। सबसे ज्यादा विश्वसनीय बात यह थी कि मुझ पर खर्चों का बोझ था, लेकिन अब वह चमत्कारिक रूप से दूर हो गया था। कुछ ही समय में यह कहानी अखबार में फैल गई कि कैसे महिला ने केवल एक महीने में $10,00,000 जीते हैं।
दोस्तों, वास्तव में कॉनी मेंडेस ने धन, पैसे, दौलत की गहरी अंतर्दृष्टि को समझा था और उसे सबके साथ शेयर किया, जो पूरी मानवता के लिए बहुत ही परोपकारी कदम था। दोस्तों, मैं आपके साथ वह 6 लाइन की प्रार्थना शेयर करने जा रहा हूं। इसे नोट कर लें और अपने जीवन में इसका उपयोग करके अपने जीवन को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाए। वह प्रार्थना यह है, मेरे भीतर और मेरे चारों ओर धन के स्रोत हैं। मेरा धन, दौलत, संपन्नता और प्रचुरता के साथ विश्वास का संबंध है और मैं इसी विश्वास की लहरों में बह रहा हूं। मैं इस समृद्ध, संपन्न दुनिया से जुड़ा हुआ हूं और उसका एक महत्वपूर्ण अंग हूं। इसीलिए मैं कृतज्ञता पूर्वक उस अपार धन को स्वीकार करता हूं जिसका मैं प्रचुर मात्रा में आनंद ले रहा हूं। दोस्तों, विश्वास करें कि भगवान हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे री हिंदी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।